लोकसभा चुनाव पर विशेष हमारी रिपोर्ट। खजुराहो सीट पर भाजपा का प्रत्याशी तय हो चुका है। बीडी शर्मा प्रत्याशी होंगे भाजपा के। तेज हो गई स्थानीय प्रत्याशी की मांग। भाजपा के गढ़ में कांग्रेस ने उतारा है स्थानीय प्रत्याशी। अब रोचक होगा मुकाबला। लंबे समय से खजुराहो संसदीय क्षेत्र में स्थानीय प्रत्याशी की मांग जोर पकड़ रही थी। पूर्व सांसदों द्वारा की गई उपेक्षा के चलते लोगों सहित पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी स्थानीय नेतृत्व की मांग करने में लगे हुए। क्षेत्र में बढ़ते स्थानीय नेतृत्व की मांग को देखते हुए कांग्रेस ने खजुराहो संसदीय क्षेत्र में शामिल राजनगर विधानसभा से विधायक विक्रम सिंह नाती राजा की पत्नी कविता सिंह को टिकट दिया है। कविता सिंह को पन्ना की बेटी भी कहा जाता है। ऐसे में छतरपुर और पन्ना में उनका खासा प्रभाव है। कविता सिंह की टिकट के बाद लोगों की उम्मीद थी कि भाजपा भी इस बार स्थानीय नेता को मौका देगी। इसके लिए टिकट की दौड़ में कई पूर्व मंत्रियों से लेकर पूर्व विधायक और कई कद्दावर नेता लगे हुए थे, लेकिन भाजपा नेतृत्व के गढ़ कही जाने वाली खजुराहो सीट पर बाहरी प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा को मौका दिया गया। विदित हो कि बीडी शर्मा भाजपा के बड़े नेता है और विद्यार्थी परिषद के समय से सक्रिय भूमिका में रहे। में नरेंद्र मोदी का जादू अभी भी कायम है और आम लोग मोदी सरकार की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन चुनाव में फिर भाजपा को चुनने के सवाल पर उन्हें भाजपा के पूर्व सांसदों की याद आ जाती है। खजुराहो संसदीय क्षेत्र से पिछले चुनाव में भारी मतों से जीते नागेंद्र सिंह की क्षेत्र में सक्रियता बेहद कम रही। कई अहम मामलों मेडिकल कॉलेज जैसे विषयों पर सांसद क्षेत्र को कुछ नहीं दिला सके। ऐसे में लोग उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हैं। 2014 का चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने नागेंद्र सिंह की संसद में उपस्थिति तो 81% रही। उन्होंने संसद की 7 बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने संसद में एक भी सवाल नहीं पूछा। यही कारण है कि इस बार हर तरह से स्थानीय प्रत्याशी की मांग हो रही थी जो क्षेत्र की अहम समस्याओं का निराकरण कर सके और लोगों के बीच उपलब्ध हो, लेकिन भाजपा से लोग मायूस है और अब चुनाव में इस टिकट वितरण के खास रोमांचक भी हो गया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही सामान्य वर्ग से अपना प्रत्याशी उतारा है। वहीं भाजपा और सपा के गठबंधन भी यहां चुनाव में। सपा ने अपने खाते में आई इस सीट पर यूपी के प्रख्यात डकैत ददुआ के पुत्र वीर सिंह पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। वो संसदीय क्षेत्र को भाजपा का गढ़ कहा जाता है, इसका कारण भी है। लगातार यहाँ भाजपा की जीत हो रही है। वर्ष 2009 में यहाँ कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी बड़े अंतर से हारे। 2018 के अंत में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में खजुराहो संसदीय क्षेत्र में आने वाली 8 में से 6 सीटों पर भाजपा और महज 2 पर कांग्रेस को जीत मिली। इस लिहाज से भी यहां भाजपा को बढ़त बताई जा रही थी। लोगों को उम्मीद थी कि भाजपा कटनी, पन्ना या छतरपुर में से किसी नेता को प्रत्याशी बनाएगी। खजुराहो क्षेत्र में कटनी जिले की विजय रावगढ़, बहोरी बंद और मडवारा, पन्ना जिले की पन्ना, गुनौर, पवई और छतरपुर जिले की राजनगर और चंदला विधानसभा शामिल है। इन क्षेत्रों में कई दिग्गज भाजपा नेता भी हैं। ऐसे में बाहर से प्रत्याशी लाना भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। खजुराहो लोकसभा सीट पर पहले चुनाव साल 1957 में 1957 में इस सीट पर पहले चुनाव में कांग्रेस के राम सहाय ने जीत हासिल की थी। 1957 में यहां पर फिर से चुनाव जिसमें कांग्रेस के ही मोतीलाल मालवी विजय रहे। इसके अगले चुनाव 1962 में कांग्रेस ने यहां पर जीत की हैट्रिक लगाई और राम सहाय एक बार फिर सांसद बने। यहां पर अगला चुनाव 1970 में हुआ। कांग्रेस के हाथ से यह सीट निकल गई और भारतीय लोकदल पार्टी के लक्ष्मी नारायण नायक यहां से सांसद बने। 1970 का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने यहां पर 1980 में एक बार फिर वापसी की। कांग्रेस की विद्यावती चतुर्वेदी ने लक्ष्मी नारायण नायक को शिकस्त दी। विद्यावती ने इसके बाद अगला चुनाव भी जीता और उन्होंने उमा भारती को मार दिया। उमा भारती का इस सीट का पहला चुनाव था। हालांकि उमा भारती ने 1989 में चुनाव में जस्ट बदला लिया और विद्यावती चतुर्वेदी को हराया। उमा भारती ने इसके बाद 1991
1996 और 1998 का चुनाव भी जीता। 1999 के चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ से सत्यव्रत चतुर्वेदी को टिकट दिया। सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कांग्रेस की इस सीट पर वापसी कराई और वह यहाँ से सांसद बने। 2004 में बीजेपी ने एक बार फिर यहाँ पर वापसी की। बीजेपी के रामकृष्ण कुशवाहा ने इस बार सत्यव्रत चतुर्वेदी को मात दी। 2009 में नए परिसीमन के साथ पन्ना जिला भी खजुराहो संसदीय क्षेत्र में शामिल किया गया। 2009 में कांग्रेस के राजा पटेरिया और भाजपा के जितेंद्र सिंह मुंदेला के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें जितेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की। वहीं 2014 में कांग्रेस ने दोबारा राजा पटेरिया को प्रत्याशी बनाया, लेकिन मोदी लहर में नागेंद्र सिंह ने उन्हें बड़े अंतर के साथ मात दी।